नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। पिछले लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास को प्रारंभ किया था और सबसे पहले छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल किया। देखा कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को पढ़ते समय हमें किन किन प्रमुख बातों को ध्यान में रखना है। हमने ये भी देखा कि स्पेशली साक्ष्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं CGPSC प्री में यहाँ से, ठीक है। आज के लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कलचुरी वंश से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें तो कलचुरी वंश सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। आप CGPSC प्री के किसी भी ईयर का पेपर को उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि हर वर्ष कलचुरी वंश से संबंधित प्रश्न तो आए ही हैं, ठीक। तो हमें सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से किस टॉपिक की तैयारी करनी है, तो कलचुरी वंश की तैयारी करनी है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के सवालों की तैयारी हमें करनी है, या फिर मैं ये कहूं कि अगर इस प्रकार के सवाल आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि आप, हाँ, आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं और आपकी कलचुरी वंश की तैयारी अच्छी है। तो पहला प्रश्न है, कलचुरी वंश की राजधानी स्थापना को कालक्रम के अनुसार जमाइए। यहाँ पर चार राजधानियों के नाम दिए गए हैं, तो मान, रतनपुर, खल्लारी और रायपुर, और हमें इन चार राजधानियों को कालक्रम के अनुसार जमाना है। लेकिन राजधानी को कालक्रम के अनुसार जमाने से पहले हमें दो प्रमुख बातों को ध्यान में रखना होगा। दो प्रमुख बातें हमें पहले से ही आनी चाहिए। एक तो ये कि दक्षिण कौशल के क्षेत्र में कलचुरी वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई, और दूसरा ये कि कलचुरी वंश के कौन कौन से शासक हैं। जब तक हमें ये दो जानकारियां नहीं होगी, तब तक हम इस प्रश्न को सॉल्व तो नहीं कर सकते। ये तो हमारा मूलभूत आधार है इस प्रश्न को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कलचुरी वंश की स्थापना यहाँ पर कैसे हुई। तो त्रिपुरी के कलचुरियों ने, त्रिपुरी ये जबलपुर से 6 मील की दूरी पर एक ग्राम है जो कि वर्तमान में तेवर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कलचुरी वंश का शासन था। त्रिपुरी के कलचुरियों ने 1000 ईस्वी में दक्षिण कोसल क्षेत्र के अंतर्गत लाफा जमींदारी के अंतर्गत तुम्मान जनपद में आक्रमण किया और इस क्षेत्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। यहां तक समझ में आया कि हाँ, ये कलचुरी वंश कहाँ से आए थे, तो ये कलचुरी वंश त्रिपुरी से आए थे। अब कब आए थे, कौन आए थे, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो उस समय 1000 ईस्वी में त्रिपुरी में कोकल देव द्वितीय का शासन था। कोकल देव द्वितीय का शासन काल 990 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक था। इसके 18 पुत्र थे और इनमें से ही एक पुत्र था कलिंगराज। कलिंगराज ने दक्षिण कोसल के क्षेत्र में आकर तुम्मान जनपद पर अपना अधिकार करके तुम्मान को अपनी राजधानी बनाकर इस क्षेत्र में वास्तविक रूप से कलचुरी वंश को स्थापित किया और अपनी राजधानी किसे बनाई थी, तुम्मान। ये लाफागढ़ जमींदारी के अंतर्गत एक जनपद था, ठीक है। तो ये कलिंगराज यहाँ पर आकर प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन करने वाला था। तो क्या सिर्फ यही एक प्रयास था इस क्षेत्र में आकर अपने अधिकार को प्राप्त करने का, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी बहुत आक्रमण हुए हैं, जिसमें आपको एक महत्वपूर्ण आक्रमण ध्यान में रखना है। इसी कलचुरी राजवंश के वंश क्रम में एक शासक हुआ शंकरगढ़ द्वितीय, जिसकी उपाधि थी मुग्धतुम। इसका शासन काल 890 ईस्वी से लेकर 910 ईस्वी तक था। इसने अपने शासन काल में पाली क्षेत्र में राज्य कर रहे विक्रमादित्य शासक को युद्ध में पराजित करके पाली के क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया था। और इसी समय बिलासपुर संभाग के अंतर्गत तुम्मान, ये लाफा जमींदारी के अंतर्गत ये भी एक मंडल था, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में अपने भाइयों को मंडलाधिपति बनाकर वो यहां से वापस
लौट गया था। मतलब कि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बहुत सारे मंडल थे जिन मंडलों को उसने जीत लिया था। यहाँ पर उस समय 9वीं शताब्दी में, ठीक है, 9वीं शताब्दी में उस समय यहाँ पर बाणवंशी शासक विक्रमादित्य का शासन था, उसे युद्ध में पराजित किया, उसके क्षेत्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और यहाँ पर अनेक मंडल पे अपने भाइयों को मंडलाधिपति बनाकर वो यहाँ पर से वापस आ गया। और फिर यहाँ पर क्या चल रहा था, पैरेलली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कलचूरी वंश का शासन था, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्र था उसकी इकाई मंडल थी, ठीक है, और यहाँ पर भी त्रिपुरी में कलचूरी वंश का शासन चल रहा था। लेकिन 890 ईस्वी से लेकर यहाँ पर 990 ईस्वी तक, इन 100 सालों में क्या बस इतनी ही स्थिति थी? तो नहीं, यहाँ पर अनेक बार ऐसा हुआ कि राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से उड़ीसा के सोमवंशियों ने दक्षिण कोसल के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। तो कभी ऐसा हुआ कि त्रिपुरी के शासक यहाँ पर आए युद्ध करने के लिए, उन्होंने सोमवंशियों से युद्ध किया और फिर अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से 100 वर्षों तक ये स्थिति चलती रही, लेकिन फिर अंत में क्या हुआ, कलिंग राज ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करके वास्तविक रूप से कलचूरी वंश की सत्ता को यहाँ पर स्थापित किया और कलिंग राज अब यहाँ पर कलचूरी वंश की एक शाखा के रूप में यहाँ पर राज्य करने लगा और प्रत्यक्ष रूप से वो यहाँ पर राज्य करने लगा। और दूसरी बात, वो त्रिपुरी के कलचूरियों के अधीन रहकर यहाँ पर राज्य कर रहा था। ठीक, तो इतना समझ में आया। तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि कलिंग राज इस वंश का संस्थापक था, कलचूरी वंश का दक्षिण कौशल में संस्थापक कलिंग राज था और उसने तुम्बाण को अपनी राजधानी बनाई थी जो कि वर्तमान समय में कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद इस वंश क्रम में आगे राजा हुए कमलराज, कमलराज के बाद रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम के शासनकाल तक इनकी राजधानी तुम्बाण ही थी, लेकिन रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाया। उसने मणिपुर नामक ग्राम को रत्नपुर के नाम से फिर से सुव्यवस्थित किया, एक नगर के रूप में उसे बसाया और अपनी राजधानी को तुम्बाण से रतनपुर शिफ्ट किया। ठीक, तो हमने देखा कि पहली राजधानी इनकी क्या थी, तुम्बाण थी, दूसरी राजधानी रतनपुर थी। अब हम आगे और चर्चा करते हैं। इसी वंश में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो प्रताप मल्ल शासक होते हैं। सभी शासकों के नाम बता दूं या आपको पता है? चलो ठीक है, एक बार मैं मुंह से बता देती हूँ। ठीक है, देखिए उसके बाद कौन शासक होते हैं, कलिंग, कमल, रत्न, फिर उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम, फिर जाजल्लदेव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय, देन पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर जाजल्लदेव द्वितीय। कौन कौन से शासक हो गए, कलिंग, कमल, रत्न, पृथ्वी, जाजल, रत्न, पृथ्वी, जाजल्लदेव, फिर जगदेव या फिर जगतदेव भी कहीं कहीं लिखा गया। ठीक है, फिर उसके बाद रत्नदेव तृतीय और फिर शासक हुआ प्रताप मल्ल। प्रताप मल्ल का शासनकाल 1222 ईस्वी तक था। इसके बाद इन सबकी राजधानी रतनपुर ही थी। इसके बाद क्या हुआ कि कलचूरी वंश का पतन होता चला गया और लगभग 1300 ईस्वी तक हमें कलचूरी वंश से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन अगर रतनपुर के कलचूरियों की बात करें तो हम और भी आगे बढ़ते हैं, 15वीं शताब्दी के अंत तक हमें इनके शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसका तात्पर्य यह है कि इनके शासकों के संबंधित हमें कोई भी शिलालेख या अभिलेख प्राप्त नहीं होते। लेकिन हम देखते हैं कि 1300 ईस्वी में खल्लारी के क्षेत्र में, महासमुंद जिले के अंतर्गत खल्लारी स्थल है, खल्लारी के क्षेत्र में लक्ष्मी देव के शासन करने की जानकारी मिलती है। और ये जानकारी इस प्रकार से मिलती है कि ये कलचूरी वंश का शासक है। संभवतः जिस प्रकार से त्रिपुरी के कलचूरियों की एक शाखा तुम्बाण में राज्य करने आई
और प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये दो शाखाओं में थी, लेकिन हाँ त्रिपुरी के अधीन रहकर ही यहाँ पर शासन कर रहे थे। उसी प्रकार से रतनपुर की एक शाखा के रूप में खल्लारी को राजधानी बनाकर लक्ष्मीदेव यहाँ पर शासन कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए इसे कलचूरी वंश की कनिष्ठ शाखा या फिर लहुरी शाखा कहा जाता है। तो हमें 1300 ईस्वी में जानकारी मिलती है कि खल्लारी को राजधानी बनाकर लक्ष्मीदेव यहाँ पर शासन कर रहा था। तो तीसरी राजधानी क्या हो जाएगी? खल्लारी हो जाएगी। लक्ष्मीदेव का शासन काल था 1300 से लेकर 1340 ईस्वी तक। उसके बाद शासक हुआ सिंहण, ये 40 से लेकर 1380 ईस्वी तक शासक था। फिर शासक हुआ रामचंद्र, ये 1380 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक शासक था। और फिर इसने रायपुर शहर की स्थापना की थी अपने बेटे हरि ब्रह्मदेव राय के नाम पर, ठीक है। और उसके बाद शासक हुआ हरि ब्रह्मदेव राय, और हरि ब्रह्मदेव राय ने अपनी राजधानी खल्लारी से रायपुर स्थानांतरित की थी, ठीक है। तो चौथी राजधानी हो गई रायपुर। तो यहां से हम देख रहे हैं कि पहली तुमान, फिर रतनपुर, फिर खल्लारी और फिर रायपुर, ठीक है। तो यहां पर खल्लारी में एक शाखा राज्य कर रही है, यहां पर रतनपुर की मेन शाखा तो चली रही है, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं कि 1400 ईस्वी में हरि ब्रह्मदेव राय शासक बनता है और वो अपनी राजधानी को खल्लारी से रतनपुर स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। तो चौथी राजधानी क्या होगी? रायपुर। कुछ समय के लिए बाहर साय के द्वारा कोसगई किले को भी राजधानी के रूप में बनाया गया था, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि पहली 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 1, 2, 3, 4। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कलचूरी शासक एवं उनकी राजधानी के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। देखिए यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक तरफ शासक के नाम दिए गए हैं और उसके बाद उनसे संबंधित राजधानी के नाम दिए गए हैं कि किस क्षेत्र को राजधानी बनाकर ये शासन कर रहे थे। तो हमने देखा कि कलिंग राज ने तुमान को राजधानी बनाई थी, ठीक है। हमने देखा कि दूसरा शासक कमल राज था, उसकी भी राजधानी तुमान ही थी, खल्लारी नहीं थी। हरि ब्रह्मदेव राय, हमने देखा कि उसने अपनी राजधानी खल्लारी से स्थानांतरित करके रायपुर शिफ्ट कर दी थी, ठीक है। तो इसने राजधानी रायपुर को राजधानी बनाकर शासन किया था। और रत्नदेव प्रथम, हमने ये भी देखा कि रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है ना। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? दो, केवल दो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला सवाल, कलचूरी शासक एवं उनसे संबंधित अभिलेख को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची वन में शासकों के नाम दिए गए हैं और सूची टू में उनसे संबंधित अभिलेखों के नाम दिए गए हैं और हमें यहाँ पर इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। इससे हमें, इस ताम्रपत्र से हमें ना केवल पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है बल्कि उनके पहले के शासक मतलब कि कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम, इन तीनों शासकों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीदेव प्रथम महत्वपूर्ण शासक है। देखिए ये रत्नदेव प्रथम का पुत्र था, ठीक है। ये लगभग 21,000 गांवों का स्वामी था, मतलब कि सकल कोसल का ही स्वामी था और इसीलिए इसे सकल कोसलाधिपति की उपाधि से विभूषित किया गया था। ये सकल कोसलाधिपति कहलाता था। इसकी एक उपाधि और है जो आपको ध्यान में रखना है, इसे महामंडलेश्वर कहा जाता था। महामंडलेश्वर, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए महामंडलेश्वर, इसका मतलब है ये कि वो एक मंडल का अधिकारी था, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था कि ये त्रिपुरी के शासकों के अधीन रहकर यहाँ पर राज्य कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र था ना, इसे मंडल कहा जाता था और इसीलिए ये महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करता था, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसने तुमान में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक। इससे अधिक और कुछ ज्ञात रखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं रत्नदेव द्वितीय पर।
तो रत्नदेव द्वितीय का अकलतरा में अभिलेख प्राप्त हुआ। रत्नदेव द्वितीय, हमने सिक्वेंस में देखा था ना कि जाजलदेव प्रथम के बाद रत्नदेव द्वितीय शासक बनता है। इसका शासन काल 1120 ईस्वी से लेकर 1135 ईस्वी तक था। इससे संबंधित जानकारी हमें अकलतरा, शिवरी नारायण, पारागांव, सरखो और कोनी से प्राप्त होती है। ये सभी अभिलेख रत्नदेव द्वितीय से संबंधित हैं। ठीक, इसे आप ध्यान में रखिएगा, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। रत्नदेव द्वितीय ने अपने पिता के समान ही त्रिपुरी के कलचूरियों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जिसके कारण क्या हुआ, त्रिपुरी के शासक गयाकर्ण ने दक्षिण कौशल के क्षेत्र पर आक्रमण किया। देखिए, यहां पर अगर दक्षिण कौशल है तो हम देख रहे हैं कि इस तरफ से मध्य प्रदेश के क्षेत्र से गयाकर्ण ने यहां पर आक्रमण किया और इधर से गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोड़गंग ने यहां पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों ओर से दक्षिण कौशल के क्षेत्र पर रत्नदेव द्वितीय के शासनकाल में आक्रमण हुआ था, लेकिन दोनों को पराजय का सामना करना पड़ा, दोनों को युद्ध में पराजित होना पड़ा। और उसके बाद रत्नदेव द्वितीय ने गौड़ शासक शशांक पर भी आक्रमण किया था। गौड़ शासक शशांक ये बंगाल क्षेत्र में शासन कर रहे थे और वहां भी उन्होंने युद्ध में गौड़ शासक को पराजित कर दिया था। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो अकलतरा के अभिलेख से प्राप्त होती है। अब हम आगे बात करते हैं वहरेंद्र साय की। हमने देखा था ना कि यहाँ पर एक शाखा जो लहुरी शाखा चल रही थी, उसमें हमने देखा कि हरि ब्रह्मदेव राय ने अपनी राजधानी को खल्लारी से रायपुर स्थानांतरित कर दी थी। और इसका शासन काल कब से कब तक था, तो 1400 ईस्वी से लेकर 1420 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। यहीं पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रतनपुर के शासक शासन कर रहे हैं, लेकिन इन शासकों के वंशक्रम के बारे में तो हमें फिर भी जानकारी मिल जाती है, लेकिन शासकों के संबंधित हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती। फिर 15वीं शताब्दी के अंत में हमें ये पता चलता है कि अब रतनपुर में शासक है वहरेंद्र साय के एक शिलालेख रतनपुर से और दो कोसगई से प्राप्त हुए। इसका शासन काल 15वीं शताब्दी के अंत से लेकर 1544 ईस्वी तक था। इसके कोसगई के अभिलेख से पता चलता है हमें कि इसके शासन काल में हाथियों को पकड़ने के लिए पठानों का आक्रमण हुआ था और उसके बाद फिर राजा को कोसगई के दुर्ग में शरण लेना पड़ा था। उस समय राजा कुछ समय के लिए कोसगई चले गए थे और उसके बाद उन्होंने उन पठानों पर युद्ध करके, उन पर आक्रमण करके उन्हें सो नदी तक खदेड़ दिया था। तो इस प्रकार से कुछ समय के लिए वहरेंद्र साय ने अपनी राजधानी को कोसगई में स्थानांतरित किया था, ठीक है, लेकिन कुछ समय के लिए ही किया था। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो कोसगई के शिलालेख से प्राप्त होती है। वहरेंद्र साय से संबंधित आपको और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान में रखनी है कि वहरेंद्र साय ने कोसगई में कोषागार का निर्माण करवाया था, उसने वहां पर चैतुरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था, लाफागढ़ में महिषासुर मर्दनी का मंदिर बनवाया था और रतनपुर में स्थित महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार भी करवाया था। ठीक, प्रतापमल, इसके बारे में हमने देखा था ना कि ये दक्षिण कौशल के कलचूरी वंश का शासक था, ठीक है। इसके हमें तीन ताम्रपत्र प्राप्त हुए, एक तो पेंड्राबन, दूसरा कोनारी और तीसरा बिलाईगढ़ से। इसके हमें 12 तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए जो कि चक्राकार और षटकोणाकार आकृति के थे और जिसमें सिंह और कटार अंकित था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा, रत्नदेव द्वितीय का अकलतरा, वहरेंद्र साय का कोसगई और प्रताप मल्ल का पिंडरावन। तो वन का सी टू का ए, ऑप्शन नंबर डी, थ्री का डी
और 4 का बी, डी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें इस पर विचार करके सही कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट, कलचूरी वंश के सर्वाधिक अभिलेख पृथ्वीदेव प्रथम के प्राप्त हुए हैं। तो पैरेलली सॉल्व करते जाते हैं। सर्वाधिक अभिलेख पृथ्वीदेव प्रथम के नहीं बल्कि पृथ्वीदेव द्वितीय के प्राप्त हुए हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय ने कलचूरी वंश के राज्य का सर्वाधिक विस्तार कर लिया था और इसके सबसे ज्यादा अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। लगभग 13 अभिलेख इसके प्राप्त हुए हैं। सोने के सिक्के जारी करने वाले छत्तीसगढ़ में कलचूरी वंश का पहला शासक रत्नदेव प्रथम था। तो नहीं, देखिए सिक्के कब जारी किए जाते हैं? तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी राजा सिक्का तब जारी करता है जब वो अपने आप को स्वतंत्र शासक मानता है और अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए वो सिक्के जारी करता है। तो कलचूरी वंश में हमने देखा था कि जब कलिंग राज इस क्षेत्र में अपनी वास्तविक सत्ता स्थापित करता है तो वो त्रिपुरी के कलचूरियों के अधीन रहकर यहाँ पर शासन कर रहा होता है। कलिंग राज के बाद कमलराज, कमलराज के बाद रत्नदेव प्रथम और उसके बाद फिर पृथ्वीदेव प्रथम, ये सभी त्रिपुरी के कलचूरियों के अधीन रहकर यहाँ पर शासन कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ का शासक बनता है जाजल्यदेव प्रथम, तो जाजल्यदेव प्रथम ने अपने राज्य का विस्तार बालाघाट से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर नीचे आंध्र प्रदेश के कुछ राज्यों तक भी कर लिया था। कुछ क्षेत्रों तक इसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि वो देख रहा है कि वो इतना शक्तिशाली है और इसीलिए उसने त्रिपुरी से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में प्रदर्शित करने के लिए, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए उसने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए। उसके सोने के सिक्के के अग्रभाग पर बड़े बड़े अक्षरों में श्रीमद् जाजल्य देव लिखा हुआ था, श्रीमद् जाजल्य देव लिखा हुआ था और उसके पृष्ठ भाग पर गज शार्दूल अंकित था। चूंकि उसने गंग शासकों को पराजित किया था इसीलिए उसने गज शार्दूल, गंग नृपति को पराजित करने के प्रतीक के रूप में अपने सिक्के में गज शार्दूल अंकित करवाया था और इसके तांबे के सिक्के में श्री हनुमान अंकित थे। ठीक, तो ये भी इनकरेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। राजलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार जगतपाल ने कराया था। देखिए कहीं कहीं किताबों में इनका नाम जगतपाल लिखा होता है और कहीं कहीं जगपाल लिखा होता है, तो दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो राजलोचन के मंदिर का जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगपाल ने करवाया था। ये वही राजलोचन का मंदिर है जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में नल वंश के शासक विलासतु ने राज्य में करवाया था, जो कि मुख्य रूप से एक विष्णु मंदिर है। ये द्रविड़ स्थापत्य कला की पंचायतन शैली में निर्मित एक मंदिर है। अब ये द्रविड़ स्थापत्य कला और पंचायतन शैली क्या होता है? द्रविड़ स्थापत्य कला की पंचायतन शैली का तात्पर्य क्या है? तो द्रविड़ स्थापत्य कला के मंदिर, उसका जो गुंबद होता है वो इस प्रकार से नहीं होता है। ये नागर शैली का गुंबद है, इसका गुंबद स्ट्रेट होता है। ठीक, और ऊपर में इस प्रकार से इसका शीर्ष होता है। तो ये द्रविड़ स्थापत्य कला का मंदिर है और पंचायतन शैली का तात्पर्य यह है कि इसके चारों कॉर्नर में भी इस प्रकार से छोटे छोटे मंदिर है, मतलब इसके 5 शीर्ष हैं। ठीक है, तो राजीव लोचन का मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला के पंचायतन शैली में निर्मित एक विष्णु मंदिर है। अब हम अगले सवाल पर आते हैं। अच्छा हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, केवल 3rd स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी 2 तो इनकरेक्ट है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, निम्न में से कलचूरी वंश के किन किन शासकों ने सिक्के जारी किए थे? देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया है सिक्के जारी किए थे, यहाँ पर ना सोने के सिक्कों की बात की गई है, ना चांदी के और ना ही तांबों के, यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया कि सिक्के जारी किसने किए थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जाजल्यदेव प्रथम
उसने अपने शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि वो कलचूरी वंश का पहला प्रत्यक्ष रूप से शासन करने वाला शासक था, ठीक है, स्वयं प्रभुत्व रखने वाला पहला शासक था, तो उसने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे। जादल देव प्रथम के बाद शासक हुए रत्नदेव द्वितीय। उसने भी अपने पिता के समान त्रिपुरु की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए उसने सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। उसके बाद फिर शासक हुआ पृथ्वीदेव द्वितीय। इसने भी सोने और चांदी के सिक्के जारी किए, और ये प्रताप मल्ल हमने देखा था कि इसने भी तांबे के सिक्के जारी किए थे। इसके तांबे के सिक्के हमें बालपुर से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये सभी शासक, इन सभी के द्वारा सिक्के तो जारी किए गए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। अगला सवाल, कलचूरीकालीन शासक एवं उनके द्वारा बसाए गए शहरों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ कलचूरी शासकों के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में उनके द्वारा बसाए गए शहरों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए, रत्नदेव प्रथम हमने पहले भी देखा था कि रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर, वर्तमान समय में इसे रतनपुर के नाम से जाना जाता है, कलचूरी काल में इसे रत्नपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और इसे कुबेरपुर की संज्ञा भी दी गई थी। तो उसने रतनपुर शहर बनाया था और उसके बाद अपनी राजधानी को तुम्मान से रतनपुर स्थानांतरित किया था। जाजल देव प्रथम ने अपने नाम पर जाजल नगरी बसाया था, जो कि वर्तमान समय में जांजगीर शहर के नाम से जाना जाता है। राज सिंह, ये रतनपुर का कलचूरी शासक है। इसका शासन काल 1689 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी तक था। इसने रतनपुर के निकट जूना शहर की स्थापना की थी। रामचंद्र, हमने देखा था कि ये कलचूरियों के लाहौरी शाखा का शासक था और इसने अपने पुत्र हरि ब्रह्मदेव राय, जो लास्ट का राय है ना, उसके नाम पर उसने रायपुर शहर की स्थापना की थी। तो करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, 1 का B, 2 का C। 1 का B सब में है, 2 का C इन दोनों में है। ठीक, आगे देखते हैं, 3 का D और 4 का A। ऑप्शन नंबर B जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सुमेलित करें, एक तरफ शासक के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा निर्माण कार्य जो किए गए हैं उसके नाम दिए गए हैं। तो रत्नदेव प्रथम ने, देखिए यहाँ पर जगह के नाम नहीं दिए गए हैं, केवल और केवल मंदिर के नाम दिए गए हैं। ठीक, तो सीधी सी बात है, जब क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है तो आप ये भी ध्यान में रखिए, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता कि ये इसका आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं। तो जब ऐसा आपको कभी लगता है कि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग मोड पे है, तो आप उसके ऑप्शंस को देखें और ऑप्शन से किसी रिजल्ट पर पहुंचे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट आपको समझ में आए या फिर आप जो समझ रहे हैं वही सही हो। ठीक, तो कई बार ऐसा होता है कि हम सवाल को सॉल्व करते रहते हैं और हमें स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आता, या फिर हम ये कहें कि हमारा जो सोचने का तरीका है, क्या वहाँ पर वही लिखा है, हम इन दोनों में मतभेद रहता है और हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते। तो जब भी ऐसी कोई स्थिति हो तो मैं कहना चाहूँगी कि आप उसके ऑप्शंस को देखें और ऑप्शंस के हिसाब से अपने आंसर को चुने। जैसा कि एक क्वेश्चन मैंने डील किया था जहां पर खैर वृक्ष का भी नाम रखा गया था, वन वाले टॉपिक में उस क्वेश्चन को डील किया गया था, वहां पर खैर वृक्ष का नाम दिया गया था। ये जो खैर वृक्ष है ना, ये मुख्य वनोपज भी है और लघु वनोपज भी है, लेकिन हम उसके ऑप्शन से समझ सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला रत्नदेव प्रथम, इसने रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। गोपाल देव, ये फणी नागवंश का शासक है। ठीक है, यहाँ पर कलचूरी वंश के शासकों के साथ इसका नाम दिया गया, ऐसा नहीं है, ये भी बाणवंशी शासक है। ठीक है, तो गोपाल देव ये फणी नागवंश का शासक है और इसके शासन काल में 1089 ईस्वी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया गया था। भोरमदेव मंदिर का निर्माण लक्ष्मण देव राय ने कराया था। इस मंदिर के मंडप में
एक दाढ़ी मूछ वाले योगी की प्रतिमा रखी गई है और उसकी प्रतिमा में लेख अंकित है। उस लेख से हमें ये समझ में आ रहा है कि इस समय शासक कौन है, तो गोपाल देव है। समय क्या है, तो 1089 ईस्वी है। और इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो वो लक्ष्मण देव राय है। ठीक है, विक्रमादित्य ये बाणवंशी शासक है। इसने अपने शासन काल में पाली में शिव मंदिर का निर्माण कराया था। और जाजल देव प्रथम ने जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे नट्टा मंदिर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके शीर्ष का कार्य, जो गुंबद का कार्य है, वो अपूर्ण रह गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ए का करेक्ट मैच 3 है, बी का 1 है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्नलिखित शासक एवं उनकी उपलब्धि सुमेलित नहीं है। पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कलिंग राज ने तुमान पर विजय प्राप्त किया था, तो हाँ किया था। जाजल्लदेव द्वितीय त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण पर विजय, तो हमने देखा था कि जाजल्लदेव प्रथम के बाद रत्नदेव द्वितीय शासक बनता है, और जाजल्लदेव प्रथम ने त्रिपुरी के कलचूरियों से अपनी स्वतंत्रता प्रदर्शित कर दी थी, सिक्के जारी करके। ठीक है, तो वो त्रिपुरी के शासकों की अधीनता स्वीकार नहीं करता था, और उसके बाद उसका पुत्र शासक हुआ रत्नदेव द्वितीय। तो रत्नदेव द्वितीय के शासनकाल में त्रिपुरी के शासक गयाकर्ण ने आक्रमण किया था, जाजल्लदेव द्वितीय के शासनकाल में नहीं। जाजल्लदेव द्वितीय के शासनकाल में त्रिपुरी के शासक जयसिंह ने आक्रमण किया था। ये भी ध्यान में रखिएगा कि शिवरी नारायण के पास त्रिपुरी के शासक जयसिंह ने जाजल्लदेव द्वितीय पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पृथ्वीदेव द्वितीय कलचूरी राज्य का सर्वाधिक विस्तार, तो हाँ, जाजल्लदेव प्रथम ने कलचूरी राज्य का विस्तार तो किया था, लेकिन सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो जो एक्सट्रीम पॉइंट था, या फिर सर्वाधिक विस्तार की बात कर रहे हैं ना हम, अगर हम ऐसा एक ग्राफ बना दें, ठीक है, और यहाँ पर इस ग्राफ में हम देखें कि सर्वाधिक विस्तार राज्य का कब हुआ, तो ये पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में हुआ, जिसके सबसे ज्यादा अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, चौथा स्टेटमेंट है, रत्नदेव तृतीय कलचूरी राज्य में वैभव और शांति की पुनः स्थापना, तो हाँ, रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में हुआ क्या था, हम आगे देखते हैं, चर्चा करते हैं। जब जाजल्लदेव द्वितीय का शासनकाल, ये जाजल्लदेव द्वितीय का शासन 1165 से लेकर 68 तक था। उसके बाद जाजल्लदेव की आकस्मिक मृत्यु हो गई और फिर शासक हुआ जगतदेव, जो कि इसका बड़ा भाई था। ये इससे पहले शासक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पूर्वी सीमा में गंग राजाओं से युद्ध कर रहा था, राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूर्वी सीमा में ये था। तो जैसे ही जाजल्लदेव द्वितीय की मृत्यु हुई, तो फिर शासक हुए उसके बड़े भाई जगतदेव या फिर जगदेव। ठीक है, तो इस समय तक राज्य में अव्यवस्था फैल चुकी थी और इन्होंने राज्य में शांति स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन इनका शासनकाल केवल कुछ समय का ही था। 78 के बाद फिर इनके पुत्र राजा हुए रत्नदेव तृतीय, और इस समय तक भी स्थिति ऐसी ही बनी रही, अव्यवस्था फैली हुई थी। तो तब इसके ब्राह्मण मंत्री गंगाधर ने फिर से राज्य में वैभव और शांति की पुनः स्थापना की थी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो हमें क्या चुनना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है। तो ये जो है, ये ए बी सी डी मान लीजिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कलचूरी कालीन शासन व्यवस्था से संबंधित सही कथन को चुनिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें सही कथन को चुनना है। ठीक, पहला स्टेटमेंट, कलचूरी काल में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। तो हाँ, कलचूरी काल में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। स्थानीय कार्यों के संचालन के लिए पंचकूल नामक संस्था थी। इस संस्था का नाम पंचकूल इसलिए था क्योंकि इसमें सामान्यतः 5 सदस्य हुआ करते थे, कहीं कहीं 10 सदस्य भी होते थे। इन सदस्यों का चुनाव ग्राम की जनता के द्वारा किया जाता था, जो कि उस ग्राम के मूलभूत समस्याओं को दूर करने का कार्य किया करते थे। इसके सदस्य को महत्तर
और इसके मुखिया को महत्तम कहा जाता था। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा स्टेटमेंट, प्रशासन में गढ़ इकाई 86 गांवों का समूह था। तो देखिए, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था एक सुदृढ़ केंद्रीकृत व्यवस्था थी, जहां पर राजा प्रमुख हुआ करता था और वो अपनी सहायता के लिए मंत्री, अधिकारीगण और स्थानीय लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त करके रखा हुआ था, और सभी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य किया करते थे। तो कलचुरी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। उसके बाद बरहो, जो कि 12 ग्रामों का समूह हुआ करता था। ग्राम का प्रमुख गौटिया, बरहो का प्रमुख दाऊ। उसके बाद इसके ऊपर की इकाई थी गढ़, जो कि 84 ग्रामों का समूह था। तो हम देख रहे हैं कि एक बरहो में 12 ग्राम आते हैं, ठीक, तो 7 बरहो में 84 ग्राम आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं कि एक गढ़ के बराबर 7 बरहो था। ठीक है, और इससे बड़ी इकाई थी मंडल। ठीक है, और गढ़ का प्रमुख कौन था? तो यहाँ पर दाऊ, और गढ़ का प्रमुख दीवान था। तो यहां से आप समझिए कि यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूं मैं। फिर से हम लिख लेते हैं इसको, मंडल, गढ़ का प्रमुख दीवान, बरहो का प्रमुख दाऊ, और नीचे ग्राम इकाई थी। तो ये जो गढ़ था ना, ये 84 ग्रामों का समूह था, ठीक, और लगभग 1 लाख ग्रामों का समूह हुआ करता था मंडल। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट, ये 86 ग्रामों का समूह नहीं था, 84 ग्रामों का समूह था, तो ये तो इनकरेक्ट है। भूमि के नाप का आधार किसानों के हलों की संख्या थी। तो हाँ, भूमि के नाप का आधार किसानों के हलों की संख्या थी। उस समय किसान के पास जितने हल हुआ करते थे, उतनी ही ज्यादा भूमि हुआ करती थी। एक हल लगभग 2 से 2.5 एकड़ जमीन के बराबर था, और अगर एक किसान 2 हलों को रखा करता था, क्योंकि जोड़ी हलों से ही खेत की जुताई होती है ना, तो फिर उसके पास कितनी जमीन है? 5 एकड़ की जमीन है। तो भूमि के नाप का आधार किसानों के पास हलों की संख्या हुआ करती थी। हलों की संख्या के आधार पर भूमि का मापन किया जाता था, और उस समय राजस्व अनाज के तौर पर दिया जाता था। हर एक अनाज के अलग अलग रेट हुआ करते थे, और उसके हिसाब से भू राजस्व दिया जाता था। ठीक, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये भी है, ये इनकरेक्ट है। तो क्या हमें देखना है? सही कथन का चुनाव करना है ना। तो 1 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा आप सुधार कर लीजिए, इस ऑप्शन नंबर ए को 1 और 3 रख लेते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। ये दोनों कथन सही है, ये 84 गांवों का समूह होता है गढ़। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, सूची 1 कलचुरी कालीन प्रमुख अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, और सूची 2 विभाग के प्रमुख का नाम दिया गया है। हमें इसे मैच करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा प्रमुख था, और वो अपनी सहायता के लिए यहाँ पर मंत्री और अधिकारियों को नियुक्त किया करता था। तो ये वही अधिकारीगण और मंत्रियों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो मैच करते हैं, हमें कुछ नहीं पता है, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर तीसरे नंबर पे दंड पाशिक लिखा हुआ है। तो दंड मतलब कुछ दंड देने का कार्य हो रहा है, तो इसका करेक्ट मैच क्या हो जाएगा? पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी गमागमिक जो है वो यातायात के अधिकारी हुआ करते थे। अब बचे 2, ये दोनों अधिकारीगण हैं और ये उनके मंत्री हैं। तो महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ये राजा का अंगरक्षक हुआ करता था, मतलब कि संचार विभाग का प्रमुख का मतलब ये बाहर से कोई भी संदेश आ रहा है या राजा को कोई भी संदेश बाहर पहुंचाना है, तो उसका कार्य कौन करता था? तो महाप्रतिहार करता था। महासंधि विग्रहक, ये विदेश मंत्री हुआ करता था। विदेश से संबंधित कोई भी कार्य है तो वो किसके अंदर होता था? महासंधि विग्रह के अंतर्गत होता था। इसके मंत्रिमंडल के और कुछ प्रमुख अधिकारी हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि महाप्रभात्री, ये राजस्व मंत्री हुआ करता था। ठीक है, राजस्व संबंधित जो भी कार्य हुआ करता था वो महाप्रभात्री करता था। एक था महापुरोहित, जो कि धर्म विभाग का प्रमुख हुआ करता था।
इसके अतिरिक्त युवराज जो कि राजा का पुत्र हुआ करता था, इसके अतिरिक्त महामंत्री, ये राजा का प्रमुख सलाहकार था, ये प्रशासनिक सलाहकार हुआ करता था, ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्री था। ठीक है, तो ये सभी मंत्रियों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, वन का सी महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख, टू का डी, वन का सी टू का डी, और दंडपासिक थ्री का बी, थ्री का बी, और फोर का ए। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो इस प्रकार से कलचूरी वंश से संबंधित सीजीपीएससी प्री में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अलग अलग डायरेक्शन में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, कोई भी सवाल ऐसे नहीं जो वन वर्ड के होंगे, कभी कभी वन वर्ड के सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन हमेशा सवाल जो है वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि आपकी समझ है कि नहीं, ये उनको जानना होता है। मतलब कि किसी भी एक सवाल में चार प्रकार के सवाल होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आपको कोई सवाल पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, इनडायरेक्ट रूप से पूछा जाता है। मतलब कि आपको इतिहास से संबंधित सही दिशा में नॉलेज है कि नहीं, यहाँ पर इस बात की परीक्षा ली जाती है। क्या आपने सिर्फ रट के एग्जाम तो नहीं दिलाया है, इसकी परीक्षा यहाँ पर ली जाती है। तो कलचूरी वंश से संबंधित सवाल मैच द फॉलोइंग में स्टेटमेंट के फॉर्म में इस प्रकार से पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, यहाँ से सवाल हमेशा आते हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसकी तैयारी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो बाकी राजवंश है, सोम वंश, पड़ी नागवंश, बस्तर के इतिहास के अंतर्गत छिंदक नागवंश, काकती वंश, इन सभी राजवंशों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।